अमृतसर में अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के तहत लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से नशे का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर संस्था के चीफ वनीत सरीन ने कहा कि जिस तरह समाज में युवा वर्ग नशे की दलदल में फंस रहा है, उनको नशे की बुरी आदतों से अवगत करवाने तथा नशा छुड़ाने हेतु संस्था द्वारा समय समय प्रयास किए जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर वनीत सरीन है जी। साड़ी संस्था का नाम है अखिल भारतीय ह्यूमन राइट वेलफेयर एसोसिएशन। अज अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस है और इस नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य के विच असी संस्था वालों एक नशे का पुतला जलाया है, जिदे विच असी अपने समाज के युवा वर्ग को एक मैसेज देना चाहते हैं भी आप नशे तो दूर रहिए। ये कोड है, इस कोड को समाज चो कढ़ीए और असं उम्मीद करते हैं भी जी हूँ सरकार बनी है कैप्टन सरकार ये नशे को समाज के दूर करेगी और साडे युवा वर्ग को इस सरकार से बड़ी उम्मीद हैगी है। लोग इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह बैंस ने जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को मांग पत्र सौंपकर कहा कि विधानसभा में दस्तार की हुई बेअदबी के मामले में वे सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने लिखित रूप में ज्ञानी गुरबचन सिंह से निवेदन किया कि 2016 में अकाली सरकार थी और अकाली सरकार के साथ भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस सरकार को नहीं बल्कि अकाली सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ज्ञानी गुरबचन सिंह उन्हें न्याय जरूर देंगे। बहुत वड्डा दुखांत जिहड़ा पूरे संसार पद्धर ते आ ते पंजाब जां हिंदुस्तान दे विच दस्तार दा निरादर होवे ते अत्यंत माड़ी गल कोई लफ्ज़ नहीं जिहड़े लफ्ज़ां दे विच इस दुखांत दी निखेधी ते निंदा कीती जा सके। पंजाब विधानसभा दे अंदर MLA साहिबान दस्तारां उतरियां, साडियां सत्कारयोग MLA भैणां दीआं चुनियां रोल के जुड़ियां बालां तों फड़ फड़ के कैसा पंजाब विधानसभा के अंदर। सो मैं अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं इह सुनिम्र बेनती लिखित रूप दे विच दे के आया कि 2016 दे विच जिहड़ा पंजाब दे अंदर बादलों का माफिया से जिहड़े लोग चेंज हो गए तो हुण ओह माफिया जिहड़ा कांग्रेस कोल आ ते 2016 दे विच केवल माफिया के विरुद्ध शांतमई संघर्ष करदिआं पुलिस ने समें की जावर जुल्म सरकार तो देश लै के दस्तार लाउण तो बाद मैनूं कई मीटर तक घड़ीसते लैके गए मेरे हाथ पिछे तो मैं अपने केस भी नहीं संभालन दिते जूड़ा नहीं कर दिता। मैं बेनती लैके आया कि जिहड़ा दस्तार के उत्ते निरादर अकाल तख्त साहब ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ा शिद्दत दे नाल ये मसला टेकअप किया, हो सकता सानू इस न्याय मिले तो न्याय की एप्लीकेशन दरखास्त बेनती पत्र अकाल तख्त साहब के जथेदार जी नूं दे के आया तो हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्रेत दे विच ये दरखास्त देण। अज सरदार बलविंदर सिंह बैंस, सिमरजीत सिंह बैंस अपने कुछ साथियों के समेत श्री अकाल तख्त साहब विखे पिछले दिन विधानसभा विच होई जो घिनौनी कार्रवाई है दस्तार की बेअदबी है उहदे संबंध में अपना मंग पत्र दे के गए ने। इस मंग पत्र ते आउण वाली पंच संघ साहिबाना की मीटिंग दे विच विचार की जाएगी, जो पांच सिंह साहिबाना का विचार होगा उसके अनुसार अगली कार्रवाई होगी। पंजाब में ड्रग्स की चेन को खत्म कर दिया गया है, ये कहना है पंजाब के सेहत मंत्री ब्रह्म महेंद्र का, जो पटियाला के हरपाल टिवाना ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस संबोधन कर रहे थे। इस मौके पे उनके साथ STF के प्रमुख ADGP हरप्रीत सिंह सिद्धू ने भी शिरकत की। इस मौके पर ब्रह्म महेंद्र ने मीडिया के साथ बातचीत करते कहा कि ड्रग्स ने पंजाब के कई परिवार उजाड़ दिए थे, लेकिन मतदान से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब को हाथ में पकड़कर सौगंध खाई थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स को जड़ से खत्म करने का फैसला किया था। सरकार बनने पर उन्होंने STF का गठन किया, जिसका प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू को बनाया और आज उनको कहने में बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब में 90% नशे की चैन खत्म कर दी गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो CM साहब ने सरकार बनदी STF का गठन किया और जिस वेले बहुत ही साढ़े काबिल अफसर हरप्रीत सिंह सिद्धू जी ने बाहरले सूबे तो लाए और सोच के फैसला किया कि कौन इस डेलीकेट ते इंपॉर्टेंट इशू नू हैड कर सकता है। STF कॉन्स्टिट्यूट हुई और जिहड़ी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सौंह चुकी सी और जो साढ़े
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ 100 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ SCF ਦੀ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90-95% ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਆ, ਜੋ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਂਕੜੇ 2016 ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2016 ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 1,49,409 OPD ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 27,366 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ OPD 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੱਕ 1,46,396 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के संबंध में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करवाने के लिए तरन तारण के नशा छुड़ाओ केंद्र में समागम का आयोजन किया गया। समागम की अध्यक्षता तरन तारण के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने की। समागम के दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभाव व उससे होने वाली शारीरिक व मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। तरन तारण के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से नशों की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। जो युवा नशा से ग्रस्त हैं उन्हें इलाज व उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर केंद्र खोले जा रहे हैं। इंटरनेशनल मनाया जा रहा वा, खास करके नशे की तस्करी के विरुद्ध बहुत अच्छी गल है भी जिथे आप बैठे हैं इस वे तरन तारण शहर के इतने भी संकल्प नाम का जोड़ा एक सेंटर खुला जोड़ा पिछले 1.5 साल तो साढ़े वो साथी साढ़े वो बच्चे जोड़े कि नशे के पास लागे सन उन्होंने इलाज बड़ा अच्छी तरह कर रहे हैं। और मैं अपने वालों कांग्रेस पार्टी वालों अपने पंजाब के वासियों ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ